नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। हम लोगों ने कल अभ्यास दो शुरू किया था और हम लोगों ने देखा था कैसे अभ्यास एक और अभ्यास दो जुड़े हुए हैं, कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। उसी क्रम में फिर हमने मानों को समझना शुरू किया था। जहां से बात शुरू हुई इस अभ्यास सत्र में, तो अपने को दिखता है कि तीन अभ्यास हैं जो करने योग्य हैं। एक तो चैतन्य को देखने का अभ्यास, एक जड़ को देखने का अभ्यास, और तीसरा जड़ चैतन्य के सहस्तित्व को देखने का अभ्यास। उसी क्रम में शून्य को देखने का अभ्यास। तो हम अभी अभ्यास एक हम लोगों ने पूरा किया और अभी अभ्यास दो शुरू कर रहे हैं। अभ्यास तीन के लिए और थोड़ी तैयारी चाहिए। तो अभ्यास दो को करते हुए मानव को समझने की आवश्यकता दिखाई देती है कि मानव है क्या। मानव का मतलब हम लोग क्या है, तो अपनी ओर ध्यान देना बनता है। तो चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखने का जो अभ्यास था, जो पहला अभ्यास था, उसमें हमने सीधे सीधे अपने भाव को देखने का प्रयास किया, यानी जो मेरे अंदर क्रियाएं हो रही हैं उसको देखने का प्रयास किया और फिर उसके परिमार्जन के लिए अभ्यास किया। अभ्यास दो में मैं और शरीर, इन दोनों को जोड़कर देख रहे हैं और फिर इन दोनों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, मैं और शरीर के बीच जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको देखने का भी अभ्यास करेंगे। मैं और शरीर को डिस्कस करते हुए कल हम लोगों ने दोनों की आवश्यकता को समझने का प्रयास किया था, उसको लेकर कुछ प्रश्नों पर चर्चा भी हुई थी। तो मैं चैतन्य इकाई हूँ, शरीर जड़ इकाई है। इन दोनों में अंतर जब समझे जाते हैं तो एक तरीका है कि इनकी आवश्यकता को देखा जाए। तो मैं की आवश्यकता एक प्रकार की है, शरीर की आवश्यकता अलग प्रकार की है। जो शरीर की आवश्यकता सुविधाओं के रूप में है, सुविधा यानी जड़, तो शरीर जड़ है, जड़ की आवश्यकता भी जड़ है। तो अपने को यह भी समझ में आता है कि जड़ की जो आवश्यकता है जड़ से पूरी होती है। चैतन्य की भागीदारी है उस जड़ की आवश्यकता जड़ द्वारा पूरा करने में, परंतु जड़ की आवश्यकता जड़ से ही पूरी होती है। चैतन्य को देखें तो दिखता है चैतन्य की आवश्यकता है सुख, है ना, सम्मान, विश्वास, ये भाव, और चैतन्य से ही पूरी होती है। जो जड़ की आवश्यकता है वो सामयिक है, शरीर की जो आवश्यकता है वो सामयिक है। सामयिक मतलब समय समय पर, और मात्रात्मक भी है और मात्रा की सीमा भी है। चैतन्य को देखें तो जो चैतन्य की आवश्यकता निरंतर है, इसमें कोई मात्रात्मक जैसी बात नहीं, गुणात्मक है। गुणात्मक का मतलब या तो चाहिए तो निरंतर चाहिए, या एक क्षण के लिए भी नहीं चाहिए। इसको हम लोग थोड़ा अपने आप में ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा दिखता है क्या कि मेरी आवश्यकता गुणात्मक है, शरीर की आवश्यकता मात्रात्मक है, यानी शरीर को जो कुछ भी चाहिए एक सीमित मात्रा में चाहिए। मुझे जो कुछ भी चाहिए वो निरंतर चाहिए, उसमें मात्रा कोई बात नहीं है, और यदि नहीं चाहिए तो बिल्कुल नहीं चाहिए। शरीर के साथ देखें तो जो कुछ भी चाहिए वो एक सीमा से कम भी ना हो, एक सीमा से अधिक भी ना हो, तो चाहिए भी परंतु सीमा के भीतर। उसमें ऐसा नहीं है कि चाहिए तो बिल्कुल पूरे समय निरंतर चाहिए और नहीं चाहिए तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। अपने बारे में थोड़ा ऑब्जर्व करें कि अपने बारे में ऐसा दिखता है क्या कि कोई भी आवश्यकता है मेरी, चाहिए तो निरंतर चाहिए, नहीं तो एक क्षण के लिए भी नहीं चाहिए। इससे फिर दूसरा निष्कर्ष निकलेगा कि जो मुझे निरंतर नहीं चाहिए वो मेरी आवश्यकता ही नहीं है, उस पर ना आएंगे भी। परंतु इसको थोड़ा एक बार ऑब्जर्व करिए, ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। इससे क्या हुआ कि हमें सुख और आवेश, इन दोनों में अंतर करना समझ में आएगा। इसको देख ले हम, क्योंकि सुख क्या है, आवेश क्या है, इस पर उन्होंने शुरू में बात किया था, परंतु कई बार इसको लेकर हमें और मुद्दे ध्यान में आते हैं तो उस पर प्रश्न भी बनते हैं। तो मेरी कोई भी आवश्यकता है, अगर वो आवश्यकता है तो मैं उसको निरंतर चाहता हूँ, नहीं तो एक क्षण के लिए नहीं चाहता हूँ। इसका अर्थ ये भी हुआ कि जो मैं निरंतर नहीं चाहता हूँ वो मेरी आवश्यकता ही नहीं, यानी आवेश मेरी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तो आवेश मुझे निरंतर नहीं चाहिए। एक कथन है यहाँ पे, तो बेसिकली चार शरीरों की बात हुई है अगर हम दर्शन में देखें तो, परंपरा में, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर। तो जिसको बॉडी कह रहे हैं उसको स्थूल शरीर कहा गया है,
जिसको कल्पनाशीलता कह रहे हैं उसको सूक्ष्म शरीर कहा गया है, जिसको यानी ब्लॉक B2, जिसको हम लोग ब्लॉक B1 कह रहे हैं यानी जो अनुभव का आयाम है, ज्ञान का आयाम है, उसको कारण शरीर कहा गया और शून्य को महाकारण शरीर कहा गया। तो इस प्रकार से चार शरीरों की बात हुई। बट देखिए, उन सब सारे शब्दों का सार इतना ही है कि चैतन्य इकाई जो है वो इंडिविजिबल है, ऐसा नहीं कि वो टूट जाता है ना, या जुड़ जाता है, वो जैसा है वैसा बना रहता है, उसमें परिमार्जन होता है। ठीक, जो स्थूल शरीर है, जो बॉडी है हमारा, उसमें टूटना फूटना जुड़ना लगा रहता है, और शून्य में क्रिया ही नहीं है, उसमें संभावना ही नहीं है। जी, तो ऐसा करते हैं, हम लोग अभी 10 मिनट का समय लगाते हैं, अभी जितनी बात हुई इसको ध्यान में रखकर स्वयं को और शरीर को देखने का अभ्यास करते हैं कि मैं क्या हूं, शरीर क्या है ना, इसको एज इट इज देखने का काम करते हैं। हम लोगों ने इसके बारे में सुना है, विचार किया है, अभी देखने काम हो सकता है ड्यू, तो शरीर को शरीर की तरह देखें, मैं को मैं की तरह देखें। ऐसा भी नहीं है कि 10 मिनट में साफ साफ दिखने लगेगा, परंतु इसकी आवश्यकता स्पष्ट होने लगेगी। इसको देखे बगैर हमारे अंदर से विचार ही चलेंगे, बात स्पष्ट नहीं होगी। तो 10 मिनट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं को मैं की तरह देखना, शरीर को शरीर की तरह देखना, ये एक अनिवार्य कार्यक्रम है। मैं शरीर नहीं हूं, यह स्पष्ट होना एक मौलिक आवश्यकता है हमारी। देखिए अपने को कि मेरी आवश्यकता निरंतर है, गुणात्मक है, और वो सही समझ सही भाव से ही पूरी हो पाती है। जो शरीर की आवश्यकता है वो सामयिक है, मात्रात्मक है, और बहुत ही रसायनिक वस्तुओं से पूरी होती है। तो जो हम लोग D1 पे बात कह रहे थे कि सुख स्वभाव है प्रभाव नहीं, उसका अर्थ भी यही है कि जो मेरी आवश्यकता है निरंतर सुख, ठीक, वो सही समझ सही भाव से ही पूरी होती है, किसी दूसरी वस्तु से नहीं। तो जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि सुख, निरंतर सुख मेरी आवश्यकता है, जो सामयिक चीजें हैं वो मेरी आवश्यकता नहीं है। तो जो बाहर से मिलेगा वो सामयिक ही होगा, चाहे शरीर से संवेदना के रूप में मिले, दूसरे से कोई अनुकूल भाव के रूप में मिले, ठीक है ना, और वो मेरी आवश्यकता नहीं है। मूलतः मेरी आवश्यकता सही समझ सही भाव है। जो बाहर से मिल रहा है सूचना है, उस सूचना का मैं सदुपयोग करता हूं, उससे मैं सुखी दुखी नहीं होता हूं, उसका मैं सदुपयोग करता हूं अपनी परस्परता में निर्वाह के अर्थ में। तो मेरी आवश्यकता जो निरंतर सुख है वो सही समझ सही भाव से ही पूरी होती है। शरीर की जो आवश्यकता भौतिक रसायनिक वस्तुओं से पूरी होती है, भौतिक रसायनिक वस्तुओं से मेरी आवश्यकता पूरी नहीं सकती, यानी सुविधा से सुख नहीं सुनिश्चित हो सकता। अगर हम निरंतरता में देखें, सामयिकता में देखें, तो ठीक है, क्षणिक रूप से हम उससे जो भी हमारे अंदर स्थिति बनती है उसको अगर हम सुख का नाम देते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज जिसको निरंतर सुख कह रहे हैं, जो मेरी आवश्यकता है, जो सामयिक नहीं है, जो निरंतर है, वो भौतिक रसायनिक वस्तुओं से पूरी नहीं हो सकती, वो तो सही समझ सही भाव से पूरी होगी। तो इसका महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये भी निकलता है कि सुविधा से हम सुखी नहीं होते, सुविधा से शरीर की आवश्यकता पूरी होती है। शरीर की आवश्यकता को पूरा करना मेरे निरंतर सुखपूर्वक जीने के कार्यक्रम का एक भाग है। सही समझ सही भाव को ही ज्ञान समाधान के रूप में रखा, और आगे देखते हैं तो क्रियाएं दिखती हैं। तो मुझमें जो क्रियाएं हो रही हैं, इच्छा विचार आशा के रूप में दिखाई देती हैं। शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं वो खाना चलना, या देखें तो सांस चलना, हृदय धड़कना, खून दौड़ना, भौतिक रसायन जो क्रियाएं हैं उस रूप में दिखाई देती हैं। तो शरीर की क्रियाओं को देखें तो दिखता है वो भी सामयिक है। सांस चल रहा है सामयिक है, सांस चलने का मतलब सांस छोड़ रहे हैं सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ना भी सामयिक है, सांस लेना भी सामयिक है। शरीर में जो कुछ भी घटित हो रहा है अगर उसमें देखें तो सारी कोशिकाओं में एक प्रकार की घटना हो रही है, जिसको कहते हैं संकुचन और प्रसारण। तो जितना भी हमारे शरीर में गतिविधि हो रही है, जो फिजियोकेमिकल है, ठीक है ना, उसमें देखें तो अल्टीमेटली संकुचन और प्रसारण हो रहा है, कोशिका सिकुड़ रही है, फैल रही है, वही सारे फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज का आधार है जो कोशिकाओं में हो रहा है।
कोशिकाएं सिकुड़ रही हैं, फैल रही हैं, उससे पाचन हो रहा है, उसी से सांस चल रहा है, उससे हृदय धड़क रहा है, उससे खून दौड़ रहा है। न तो संकुचन निरंतर है, न तो प्रसारण निरंतर है, न कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूअस है, न एक्सपेंशन कंटिन्यूअस है। तो शरीर में होने वाली सारी क्रियाएं इसी प्रकार की हैं। अगर हम अपने आप में देखें तो हमारे अंदर ऐसी क्रियाएं नहीं हो रही संकुचन प्रसारण की तरह, भाव हैं, बने रहते हैं, भाव में परिवर्तन होता रहता है, ये बात और है। ठीक, विचार की क्रिया चलती रहती है, विचारों में परिवर्तन होता रहता है, ये और बात है। आशा क्रिया यानी पहचानना और आस्वादन करना, चयन करना, ये अपने आप में चलता रहता है, वस्तु बदलती रहती है। तो मेरी क्रियाओं को भी देखेंगे तो पाएंगे निरंतर है। इतना ही हो सकता है कि अभी तक जागृत नहीं हुई, ठीक है ना। तो एक समय के पहले जागृत नहीं हुई है, जागृति हो गई सब बनी रहती है, ये तो है। तो अभी मेरे अंदर उसका चिंतन की क्रिया जागृत नहीं हुई है ना, जब हो जाती है तो निरंतर चलती रहती है। बोध की क्रिया जागृत नहीं हुई है, हो जाती है, निरंतर चलती रहती है। अनुभव की क्रिया जागृत नहीं हुई है, हो जाती है, निरंतर चलती रहती है। तो ऐसा है, शरीर में ऐसा नहीं है, शरीर में सामयिकता है। निर्वाह में और आगे जाते हैं देखने के लिए तो दिखता है कि जो शरीर में क्रियाएं हो रही हैं वो मूल रूप से अगर देखें तो पहचानने और निर्वाह करने के रूप में हो रही है। तो पहचानना निर्वाह करना मतलब एक निश्चित संबंध बना हुआ है, जड़ का जड़ के साथ एक निश्चित संबंध बना हुआ है, उसमें कोई च्वाइस नहीं है। एक प्रकार की रचना होती है, उसके आधार पर एक प्रकार का गुण होता है, उस गुण के आधार पर परस्परता में प्रभाव पड़ता है कि नहीं। यही पहचानना निर्वाह करना है जो शरीर में होता ही रहता है। अपने आप में देखें तो सिर्फ पहचाना कि निर्वाह करना नहीं है, जो भी पहचानते हैं उसके आधार में कोई ना कोई मानना जरूर होता है। तो चैतन्य में कुछ मानते हैं तभी पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं। तो सामने जो रखी हुई है चीज वो भोजन है और खाने योग्य है, ऐसा मानते हैं तो मुंह में डालते हैं। भोजन तो है बट खाने योग्य नहीं है ना, बिगड़ा हुआ है तो मुंह में नहीं डालते हैं। भोजन है, खाने योग्य है, बट जो खिलाने वाला है उसका भाव ठीक नहीं है तो फिर मुंह में नहीं डालते हैं कि नहीं। जैसा मानते हैं वैसा हम निर्वाह कर रहे होते हैं। शरीर में ऐसा कुछ भी मानने वाली क्रिया नहीं है, हमने मुंह में डाल दिया, ठीक, अपने निर्णय से मुंह को चला लिया, अब वो पेट में गया। अब अगर वो पेट के लिए पुष्टिकारक होगा तो पेट उसको पचा के स्वस्थ हो जाएगा, अगर पेट के लिए शुष्क कारक होगा, सुखाने वाला होगा, शोषक होगा, मारक होगा, तो पेट बीमार पड़ जाएगा, इतना ही भर है। तो पेट में खाली पहचाना निर्वाह करना हो रहा है ना, जो हवा में सांस ले रहे हैं, अब हवा प्रदूषित है तो लंग्स खराब होंगे, लंग्स में चले गए, लंग्स हवा के साथ संबंध को पहचानते हैं, पहचाना मतलब संबंध को पहचानना। तो हवा प्रदूषित है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है, सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो फेफड़े काले पड़ जाएंगे, उसमें काम करने में दिक्कत आएगी, है ना, फेफड़े बंद होने लगेंगे धीरे धीरे। ऐसा ही मुझे सांस लेना है कि नहीं लेना है इस हवा में, ये मैं तय करता हूँ, या सीधे सीधे लेना है, या मास्क लगा लेना है, या ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा लेना है, या वहां से हट जाना है, ये मैं तय करता हूँ। इसमें मेरे मानने की क्रिया का प्रयोग है। एक और क्रिया होती है, मैं भी इसको जानना कहते हैं, इसके लिए अभी हम सुबह प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए हम वर्कशॉप करते हैं, जिसके लिए हम अपने आप में जांचते हैं, जी कर देखते हैं, इस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं कि जो वस्तु जैसी है वैसा दिख जाए, इसी को जानना कह रहे हैं। तो चैतन्य चैतन्य की तरह दिख जाए, जड़ जड़ की तरह दिख जाए, चैतन्य और जड़ का जो सहस्तित्व है जैसा वैसा दिख जाए, ये काम मुझ में हो रहा है, शरीर में नहीं, शरीर एक साधन की तरह काम कर रहा है उसके लिए। तो जानने की क्रिया भी मुझ में हो रही है, मानने की क्रिया मुझ में हो रही है, उसके साथ पहचान निर्वाह करना हो रहा है। और जो मेरा पहचान निर्वाह करना है और जो शरीर का पहचान निर्वाह करना है वो गुणात्मक रूप से भिन्न है। शरीर का जो पहचान निर्वाह करना है पूरी तरह से भौतिक रासायनिक है, मेरा जो पहचान निर्वाह करना है वो भाव विचार के रूप में है, आशा के रूप में है कि नहीं, और उसके आधार में कोई ना कोई मानने की क्रिया है,
मानने के आधार में जानना भी हो सकता है, जानना नहीं भी हो सकता है। इतना ही होता है कि अभी जान नहीं पा रहे हैं, जानने की क्षमता है, जानने की संभावना है, जान पाते हैं तो मानना निश्चित हो जाता है। तो जो हमारे अंदर मान्यताएं बनी हुई हैं, अगर उसको देखें तो कई बार हमको लगता है कि देखो कितनी गलत मान्यताएं बनी हुई हैं, बट हमारे पास कुछ ना कुछ तो मानकर ही पहचान निर्वाह करना होगा, तो कोई ना कोई मान्यता तो बनाएंगे ही। हम अगला कदम भी उठाते हैं तो मान के उठाते हैं कि धरती फटी हुई नहीं है, कि नहीं यही थल ही है, जल नहीं है, है ना, इसे पैर रखूंगा तो पैर टिकेगा, तभी हम अगला पैर भी उठाते हैं। हम घर से बाहर भी निकलते हैं तो हमको ये मान के निकलते हैं कि दरवाजे के बाहर शेष प्रकृति है, दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो शेष प्रकृति में जाएंगे, बाहर का जो वातावरण है, तब कुछ मानते हैं, तभी हम पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं, तभी हम ताले में चाबी डालते हैं, तभी हम दरवाजे को खोलते हैं। चाबी को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो खुलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो खुलेगा, जैसा मानते हैं वैसा हम पहचानते निर्वाह करते हैं, वैसा ही शरीर से हरकत करते हैं। तो मानना तो एक अनिवार्य क्रिया है मेरी, वही है कि हम उस मानने को जांचे नहीं तो जानना पूरा नहीं होता, वो मानना ही मान्यताओं का रूप ले लेता है, गहरी गहरी मान्यताएं बन जाती हैं, ठीक। बट मानना मेरी एक अनिवार्य क्रिया है, हम मानने बगैर पहचान ही नहीं सकते। तो होता यह है कि जब हम इस विकास क्रम में हैं, जागृति क्रम में हैं, तो जो भी मेरे साथ जुड़ा है सब कुछ मानते हैं, अपने को भी कुछ मानते हैं। अब धीरे धीरे उसमें जानने काम शुरू होता है, तो कोई भी चैतन्य इकाई विकसित होगी तो यहीं से होगी, चैतन्य इकाय में जो विकास होगा यहीं से होगा, मानने से ही होगा। तो हम सभी और जानने बगैर मान रहे हैं तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा तो मान के ही शुरू करेंगे ना। तो हम सभी उसी प्रक्रिया में हैं। इतना जरूर है कि किसी ने जानने काम पूरा कर लिया, कोई जानने काम में लगा हुआ है, जान थोड़ा सा पाया है, थोड़ा नहीं जान पाया है, किसी ने जानने काम शुरू ही नहीं किया है, कुछ भी नहीं जान पाया है, किसी ने जानने काम शुरू किया है बट अभी नहीं जान पाया है, ये सारा वेरिएशन हो सकता है। बट मानने क्रिया सब में हो रही है और मानना मेरी एक अनिवार्य क्रिया है, वो होगी ही। बस इतना है कि जानूंगा नहीं तो मान्यताओं का रूप ले लेगा, गहरी मान्यताएं बन जाएंगी, और जब उसके साथ पहचानना निर्वाह करना लंबे समय तक कर लिया, ठीक, उस परस्परता के दबाव में आ गया, प्रभाव में आ गया, तो मान्यताओं से निकलना भारी भी पड़ता है कई बार, तो जानने को हम पोस्टपोन कर देते हैं, टाल देते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमने मानने के आधार पर पूरा जीवन जी लिया, अब उसको अंडू करना मुश्किल पड़ता है। या जो हमने परस्परता में पूरी पहचान बना ली, जिस तरह से निर्वाह कर लिया, उसके जो फल परिणाम आ गए, ठीक, उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते तो जानना मुश्किल पड़ता है। बट है सबकी, हम सबकी यही गति, हम सब मानने से ही शुरू करते हैं, धीरे धीरे उसमें जानने में जाते हैं। तो हम लोग इसको आज और इसको ध्यान से देखें, मैं को, शरीर को, मैं की आवश्यकता, शरीर की आवश्यकता, मैं की क्रिया, शरीर की क्रिया, मैं में जानना मानना पहचाना निर्वाह करना, शरीर में सिर्फ पहचाना निर्वाह करना, इन बातों को हम ध्यान से देखें। इसमें जितने भी तरह के प्रश्न बनते हैं, तर्क बनते हैं, ठीक, जितने तरह के उलझन हो सकते हैं, ध्यान देने योग्य बातें हो सकती हैं, शब्द के अर्थ में जाने की आवश्यकता हो सकती है, उन सब हम लोग अपने आप पे ध्यान दे देखें, नोट करें, कल हम लोग इस पर आगे और बात करेंगे। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।